दोस्तों पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुई जिसमें एक भाई जिनको शायद बचपन से ही बार्बर बनने का शौक था, सड़क के बीच में एक निहत्ते आदमी को गन्स के जोर पर हेयर कट करने पर इंसिस्ट करते हुए नजर आए। निहत्ता आदमी, बॉस मेरा कसूर, बलोच हो तो महानूर, पार्लियामेंट में बैठे हैं लंगूर जैसे नारे लगाता रहा, लेकिन गार्ड्स वाले बार्बर भाई ट्रिमर ना लाने पर और ज्यादा गुस्से में आ गए। इस सब एपिसोड में वैसे तो बहुत तरह के ओपिनियन सामने आए हैं, बट क्वाइट फ्रेंकली मैं इस डिबेट में पढ़ना ही नहीं चाहता। एक बात जो मुझे थोड़ी अजीब लगी वो ये है कि हम में से कुछ लोग इस रिसर्च में लग गए कि किसी भी तरह इस निहत्ते आदमी जो कि एक पब्लिक फिगर भी है, इसके खिलाफ सबूत जमा करके इसको एक्सपोज किया जाए। हाँ, अगर ये शख्स कोई पॉलिटिशियन होता जो आपके वोट और ट्रस्ट जीतकर पावर में आया है तो जरूर उनको एक्सपोज करें। साथ ही साथ वो पब्लिक फिगर्स जो कि एंटरटेनर्स हैं, उनके बारे में गॉसिप्स करने में भी कोई बुराई नहीं है। वैसे भी हर फेमस शख्स को फेमस होने के बाद ये सब एक्सपेक्ट भी करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि हम लोग बाज़ुकात जरूरत से ज्यादा जजमेंटल हो जाते हैं। मैं चाहूंगा कि आप वकार जका के साथ होने वाले इस सब एपिसोड को 2 मिनट के लिए भूल जाएं और सिर्फ ये इमेजिन करें कि कभी किसी आर्टिस्ट की बनाई हुई क्रिएशन में से गलतियां निकालने पर उस आर्टिस्ट को क्या फील होता है। अब अगर ये 2% का आर्टिस्ट अपनी क्रिएशन के बारे में इतना सेंसिटिव है तो वो हस्ती जिसने इस पूरी कायनात को क्रिएट किया है और उसमें भी अपनी तमाम क्रिएशन में से हजरत इंसान जिसको उसने अशरफुल मखलूकात बना के प्रेजेंट किया, यानी कि उसका मास्टरपीस, तो अगर उसके इस मास्टरपीस में से हम लोग सिर्फ गलतियां ढूंढना शुरू हो जाएं, तो उस क्रिएटर को कैसा लगेगा। बहैसियत इंसान हमें कभी किसी इंसान के अंदर मौजूद खामियों को ढूंढ ढूंढ कर पब्लिक नहीं करना चाहिए। और ये मैसेज वकार जका साहब के लिए भी है क्योंकि आप खुद भी बहुत से लोगों को एक्सपोज करने की बातें करते रहे हैं। खैर, इंक्लूडिंग मी, खामियां हम सब में है। अल्लाह से बस यही दुआ है कि हमारी इन सब खामियों पर पर्दे कायम रहें, क्योंकि आज अगर किसी और की वीडियो वायरल हुई भी है तो कल को हमारी भी हो सकती है।